क्या खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह राजस्थान भाग गया है? पंजाब से निकलकर क्या अब अमृतपाल राजस्थान में छुपा बैठा है? दरअसल जिस खालिस्तानी समर्थक की तलाश पंजाब में पुलिस चप्पे चप्पे पर कर रही है, उसके राजस्थान में छिपे होने की आशंका है। गौरतलब है कि हनुमानगढ़ जिले की सीमा पंजाब से लगती है और राजस्थान के पुलिस प्रमुख ने कहा है कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाश हनुमानगढ़ जिले के आसपास चल रही है। डीजीपी उमेश मिश्रा ने कहा कि बुधवार को उसकी मौजूदगी को लेकर जानकारी मिलने के बाद सर्च अभियान की शुरुआत की गई है। डीजीपी ने कहा कि आतंकवाद निरोधी दस्ता एटीएस और इमरजेंसी रिस्पांस टीम ईआरटी सक्रियता से अमृतपाल की तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ के अलावा श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने अब तक अमृतपाल के 9 करीबी साथियों को पकड़ लिया है। अमृतपाल अभी तक पुलिस के काबू से बाहर है। बीते कुछ दिनों से यह अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अमृतपाल सरेंडर करने वाला है। अमृतपाल के राजस्थान में छिपे होने की आशंका के बाद उसे ढूंढ निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा के मुताबिक इनपुट मिलने के बाद अमृतपाल को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अमृतपाल के सर्च ऑपरेशन में राजस्थान पुलिस के साथ कई अन्य एजेंसियां भी जुटी हुई हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल राजस्थान के किसी बॉर्डर एरिया में छिपा हो सकता है। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने बताया कि हनुमानगढ़ के अलावा श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर में पुलिस को अलर्ट किया गया है। एटीएस समेत कई एजेंसियां अमृतपाल के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। उन्होंने बताया कि यह सर्च ऑपरेशन सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिलने के बाद शुरू किया गया है। वह 27 दिन से फरार है। वहीं होशियारपुर में अमृतपाल को पनाह देने वाले दो भाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी बीच पंजाब पुलिस ने राज्य के कई स्थानों पर नाकेबंदी कर दी है। गुरुवार को तरन तारण में और अमृतसर में अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए। भटिंडा में भी अलर्ट जारी किया गया। उधर होशियारपुर में पुलिस ने गुरुवार को राजपुर भाइया के दो सगे भाइयों कुलदीप सिंह व हरदीप सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उन्हें 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उन पर अमृतपाल को पनाह देने और उनकी मदद करने का आरोप है। हालांकि इन्हें कुछ दिन पहले हिरासत में लिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।